अगर आप भी 30 की उम्र से पहले पहले करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करना शुरू करनी पड़ेंगी, वो भी आज से और यानी अभी से, आप समझ लीजिए। जो कि गरीब इंसान होता है वो कभी नहीं करता, इसीलिए वो और गरीब होता चला जाता है, और दूसरी ओर अमीर जो कि और अमीर होता चला जाता है, उसके पास पैसे आए चले जाते हैं, ऐसा वो क्या अलग करते हैं, हम उसी बारे में बात करते हैं। और वही सेम चीज़ अगर हम करेंगे तो हम भी अमीर बन जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहली चीज जो कि अमीर लोग करते हैं कि दे डोंट बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बट ब्रांडेड स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जो अमीर इंसान होगा ना, उसकी सोच ऐसी नहीं होगी कि आज मैं इस ब्रांडेड, ये ब्रांडेड वॉच पहन लेता हूं, ये ब्रांडेड टी शर्ट पहन लेता हूं, शर्ट पहन लेता हूं, ये ब्रांडेड कार ले लेता हूं, ये ब्रांडेड, ये वो। ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते, यकीन करो। अब आप बोलोगे नहीं भाई ऐसा पागल है क्या, मैंने देखा है भाई अमीर अमीर जो होते हैं वो ब्रांडेड चीज पहनते हैं। एक बात याद रखना, जो आपके दोस्त यार ब्रांडेड चीज पहन रहे ना, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे ना, उनके पिताजी वो ब्रांडेड यूज नहीं करते होंगे। उनके पिताजी आज भी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जबकि उनके जो बच्चे होते हैं वो अमीरी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनको अक्ल नहीं होती है। जिसको अक्ल होती है, जो सच में अमीर। अब आपके जो दोस्त हैं क्या वो अमीर हैं क्या? नहीं, उनके पिताजी अमीर हैं। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उनके पिताजी को देखना जो सच में खुद मेहनत करके अमीर बने हैं, वो कभी ब्रांडेड लाइफ में इतने ज़्यादा खोए हुए नहीं रहेंगे। हाँ, कई बार हो सकता है कि एक उनके पास ब्रांडेड टी शर्ट हो, ब्रांडेड शर्ट हो, बट देन उसके पीछे 10 नॉर्मल टी शर्ट्स होंगे, 10 नॉर्मल शर्ट्स होंगे पहनने के लिए। वो दिखावे के लिए एक आक अलग चीज़ होती है जब उनको मीटिंग्स में जाना होता है, जब हम जैसे लोगों को दिखाना होता है कि देखो वो अमीर है, बस। अदरवाइज वो शो ऑफ में नहीं फंसते, वो शो ऑफ में ही नहीं घुसे रहते कि मैं ये ब्रांडेड चीज़ ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, नहीं। दूसरे वो क्या करते हैं? ब्रांडेड स्टॉक्स को चूज करते हैं। यानी कि अगर आज आप पीछे पड़े हुए हो ना कि मैं ये वाली टी शर्ट ले लेता हूँ या ये वाला ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर लेता हूँ, वो उस ब्रांड का स्टॉक खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, वो 1 लाख से 10 लाख बनाना चाहते हैं। अब यहाँ मैं रातों रात वाली बात नहीं कर रहा भाई कि आज 1 लाख कमा लो, इन्वेस्ट कर लो और 10 दिन बाद इतना, ये सब फालतू चीज़ें नहीं है। वेल्थ जनरेट लॉन्ग टर्म में होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट, अजी क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कौन सी चिड़िया का नाम है? तो आप आज से और अभी से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड में तो कर ही सकते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये पहली चीज जो कि आपको अमीर बना सकती है। दूसरी चीज कि दे कीप ट्रैक ऑन देयर टाइम, देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो उनका समय कैसे गुजर रहा है, उस समय को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनको बिल्कुल बखूबी पता होता है। हमें क्या अपने समय का पता होता है? नहीं, हमारा कोई मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता। हम यूं ही कोई हमारा ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना हमारा कुछ काम करने का टाइम है। मन हुआ तो कर लेते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। और कोरोना टाइम में तो इतनी आज़ादी मिल गई है कि ठीक है यार, जो है ठीक है, देखा जाएगा, ये वाली चीज़ हो गई है। और यकीन मानो ये अभी तो हमें पता नहीं चला, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर पता चलेगा। टाइम की कीमत ही तभी पता चलती है जब वो चला जाता है। जब तक कोई चीज़ रहती है तब तक कहाँ ही फ़र्क पड़ता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, टाइम की कीमत रखो, अपने टाइम को मैनेज करो। सिर्फ सोते रहने से, सिर्फ मस्ती करने से आपको आगे नहीं मिल पाएगी। आप आज इंजॉय कर लोगे, लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद की सोचो। जो गरीब इंसान होता है ना, जो मतलब सोच से छोटे होते हैं, मैं गरीब पैसों से नहीं कह रहा, पैसों से भी आप लगा ही लो, लेकिन जो सोच के ही छोटे होते हैं ना भाई, उनका क्या होता है कि कल मौज कर लूँगा, कल घूमने चलते हैं, परसों घूमने चलते हैं, घूमना मस्ती करना, लेकिन वो कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोचते। आपको लॉन्गर टाइम के लिए सोचना है। तीसरी चीज़ जो कि अमीर लोग करते हैं कि दे इन्वेस्ट इन राइट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वो सब आपके दोस्त, वो सब आपके यू नो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, वो सभी लोग जो कि आपके आसपास रहते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि आपके 5 दोस्त का एवरेज आप बनते हो। आपके आसपास जो 5 खास दोस्त होंगे उनका एवरेज निकालो और वही आप होगे। अगर वो अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे होगे, अगर वो बेकार होंगे तो यकीनन आप भी बेकार ही होंगे। अगर हैं नहीं तो बन जाएंगे आप, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ज़रूरी है कि आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनको अच्छा रखें। फ्रेंड्स का अच्छा होना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जो आपके आसपास के फ्रेंड्स अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो आपको पीछे खींच लेंगे, रोक लेंगे, पागल है क्या, आपका मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या, तू ही बदलने चला है क्या दुनिया को, तेरे बस की नहीं, अबे रहने दे भाई, छोड़ना। और दूसरी चीज ये भी होती है ना कि जैसा आसपास लोग होते हैं हमारा भी मन वही करने को करता रहता है। आप कभी भी अच्छे लोगों के बीच में रहकर देखिए, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। आप 5 दिन उनके बीच रह के देखिए, आप बोलेंगे यार
आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा, आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे, आप कुछ और ही सोचने लगेंगे, कुछ बड़ा सोचने लगेंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है, 5 दिन में क्या होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, और जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे वो बॉयफ्रेंड है, वो भी इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। उस इंसान को पाने से पहले आप इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो मिल जाता है तो फिर उसको चलाने में एनर्जी वेस्ट करते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं। उसके बाद जब वो चला जाता है तब तो मती मारी ही जाती है, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल सही चूज़ करिए, बिल्कुल सही से इन्वेस्ट करिए रिलेशनशिप में, सही इंसान में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान सही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, बाहरी सुंदरता पे मत जाइए, यकीन करिए, यकीन करिए। बस मान लीजिए बात, अगर आप बाहरी सुंदरता पे जा रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर लात खाएंगे। अगर आप ढंग के इंसान में इन्वेस्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना, अंदर की सुंदरता पे, लॉन्गर टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। और ये चीज़ मैं आपको शायद ना समझा पाऊँ, लेकिन जब आप खुद समझोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझा रहा था। नेक्स्ट चीज़ कि जो अमीर बंदे होते हैं ना, वो खुद को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं। खुद को ग्रो कैसे करते हैं? खुद को ग्रो करते हैं कोई कोई जो भी नई टेक्नोलॉजी आसपास चल रही है, कोई नए स्किल सीखने में, नई नई बुक्स पढ़ने में, नई नई इन्फॉर्मेशन लेने में। वो हमेशा अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं किन चीज़ों में, जो कि वैल्यूएबल है। और हम किन चीज़ में बढ़ा रहे हैं? फालतू की मस्ती में, मौज मस्ती में, किसी का मजाक उड़ाने में, किसी से जलने में, किसी की खल्ली उड़ाने में, है ना, हम गाली गलौज करने में, लोगों को नीचा गिराने में ही लगे पड़े हैं। हमारे पास और कोई काम धंधा है ही नहीं भाई। स्किल्स के नाम पे हमें क्या आता है? वही चीज़ जो कि आज से पहले हमने कभी सीखी होगी, साल दो साल पहले। मेरे भाई, अपने आप को अपडेट रखते रहो। आपकी जो भी फील्ड है, मैं मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते होगे, जॉब करते होगे, स्टूडेंट होगे, जो भी चीज़ है उस चीज़ में और एडवांस होते जाओ, नई नई चीज़ें सीखते रहो। जब इंसान सीखता रहता है ना तो खुद आगे बढ़ता रहता है। जब आप चीज़ों को सीख रहे होगे तब आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा ना, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, है ना। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, मस्ती में, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलने लग जाता तो भाई ये सच में ऐसा भी होता है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। ये चीज़ होती है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में तब मिलती है जब आपने सोची ना हो। तो यकीन रखिए कि जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे ना उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को, जो कि आपको लक के थ्रू मिल सकती है, मेहनत के थ्रू मिल सकती है, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आपसे चली जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसे होता है ना, आप जिससे प्यार करते हो दूर हो जाती है, क्योंकि आपकी औकात नहीं होती उसको पाने की। कड़े शब्द बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, अगर मैं भी हूँ तो मेरी भी औकात नहीं है कोई उस इंसान को पाने का, तो मैं बस पछतावा ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी औकात होगी तो मैं उस इंसान को भी पालूँगा, उस चीज़ को भी पालूँगा, और हर एक उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर लूँगा जो कि दूर जाना चाह रही है। समझो मेरे भाई, स्किल सेट को डेवलप करो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अमीर लोग करते हैं और वो और अमीर बनते जाते हैं। उनकी सोच ही अलग है, उनका माइंडसेट ही अलग है, और हमारा माइंडसेट इसीलिए गिरा हुआ है क्योंकि हम लोगों में ऐसे रह रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। अब हो सकता है आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली हो, आप भूल जाएंगे इस वीडियो को, यकीन करिए, लेकिन आपको याद रखना है, आपको इसको बांध लेना है, गांठ बांध लो भाई अपने मन में कि अब तो कुछ करना ही करना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ मोटिवेशन मिली, क्या आपको समझ में आया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं आपको और मोटिवेट करूँगा, और हम दोनों ही आगे ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद।